हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई जॉब वैकेंसी के बारे में, और ये है साउथ अफ्रीका के बारे में। ये है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि विजिट टू वर्क। ये वर्क परमिट रहने वाला है, विजिट टू वर्क ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग पुराने हैं वो अपना सपोर्ट बनाए रखना, और वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। तो बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको पहले पोस्ट बताता हूँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल वो बताता हूँ, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहली पोस्ट जो इसमें है वो है स्टील फिक्सर की। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें अवेलेबल जो हैं वो हैं 10, ठीक है, यानी 10 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल हैं स्टील फिक्सर की। नेक्स्ट है शटरिंग कारपेंटर, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल हैं इसमें 10, यानी कि इसमें भी 10 शटरिंग कारपेंटर चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर वेल्डर, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल 10, तो इसमें भी 10 स्ट्रक्चर वेल्डर चाहिए, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसे बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। देखो, सैलरी रहेगी आपकी $400, ठीक है, ये आपकी सैलरी रहेगी। प्लस इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ईयरली 1 लाख का बोनस मिलता है, यानी कि आप 1 साल अगर यहाँ पर काम कर लेते हो तो आपको 1 लाख का जो है बोनस यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा फूड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस ओवरटाइम भी अवेलेबल है, यानी कि जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल बेसिक सैलरी है, जो कि 8 घंटे की सैलरी होती है, $400, ये बेसिक सैलरी होगी 8 घंटे की। उसके ऊपर जो आप ओवरटाइम करते हो वो आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, और जो ईयरली बोनस है 1 लाख का वो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ मैं फिर से, जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, ठीक है, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर और स्ट्रक्चर वेल्डर, ठीक है। केवल इसमें जो एक कंडीशन है वो है ECNR वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो रिटर्न कैंडिडेट हैं वो भी, उनको थोड़ा प्रेफर किया जाएगा, लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो पासपोर्ट वैलिडिटी है वो मिनिमम 3 साल तक आपकी वैलिड होनी चाहिए, यानी कि किसी के अगर पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है तो वो रिन्यू करवा सकता है, या जिनका पासपोर्ट 1 साल में या 2 साल में ख़त्म होने वाला है उसकी वैलिडिटी, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 3 साल आपकी पासपोर्ट की जो है वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो भी साउथ अमेरिका के लिए ये वैकेंसी है। उसके अलावा अभी 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वैकेंसी डाली थी आर्मेनिया की, जो विजिट टू वर्क है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने इसमें निगेटिव भी कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो देखो, जो कुछ ऐसे एजेंट भी हैं, एजेंट नहीं का कहते हैं उनको, कुछ जैसे यहाँ से कुछ बंदे जाते हैं, वो वहाँ पर जाकर उन्हें लगता है कि वो काम करवा सकते हैं, वो अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, फिर उनको दोस्तों को या कुछ लोगों को बुला लेते हैं, फिर उनको जॉब लग नहीं पाती है, ठीक है। तो अब जिनकी जॉब नहीं लगी है वो तो यही बोलेंगे कि यहाँ पर काम नहीं है, उनको उनके साथ फ्रॉड हुआ है। जबकि होता क्या है कि आप प्रॉपर एक चैनल के थ्रू अगर जाओगे तो आपको काम भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और एक जेन्युइन प्राइस मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो आर्मेनिया का अभी चल रहा है, अगर आप मुझसे भी करवाते हो या जिस एजेंसी से मैं आपका करवाऊंगा, वहां पर आपका चार्ज लगेगा 1,80,000, ठीक है। इतने में आपका पूरा काम होगा, पूरा मतलब विजिट टू TRC भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जॉब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, ठीक है। कहीं पर हो सकता है कि आपको कंपनी फूड भी दे दे, तो वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एकोमोडेशन तो आपके पास रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका ये भी बेनिफिट रहेगा कि अगर आप वहाँ से कहीं और मूव होना चाहते हो तो वो भी आपको फर्दर इन फ्यूचर वो भी आपके लिए जो है बना रहेगा। पोस्ट लगभग सारी अवेलेबल हैं, पैकिंग की मोस्टली सारी हैं, जनरल हेल्पर की सारी हैं, डिलीवरी बॉय में भी आप जा सकते हो, स्किल्ड वर्कर अगर आप हो तब भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो 1,80,000 टोटल कॉस्ट है, जिसमें आपका टिकट सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, आपको उससे ऊपर और कुछ नहीं करता। ई वीज़ा होता है, और जो कि 15 दिन में आपको मिल जाएगा, यानी 15 दिन में आप फ्लाई हो जाओगे। जो जल्दी जाना चाहता है उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है, ठीक है। बाकी जो एजेंट्स चाहते हैं
इसमें काम करना हमारे साथ, वो काम कर सकते हैं, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।